अजीत पो बस्ती के लोगों ने एक बैठक की। बैठक का संचालन अजीत पो निवासी जितिन सैनी ने किया। उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि पुलवामा में जो हमला हमारे सीआरपीएफ जवान पर हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं और मोदी जी से प्रार्थना है कि पाकिस्तान पर हमला कर आतंकियों का अंत करें और हमारे जवानों की शहादत का बदला ले। पूरे भारत में आक्रोश है। उसके बाद अजीत पो के चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूंका। देवी स्थान पर आकर मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जो आपने पुतला फूंका है और जो मौन धारण किया है, किसी ने किया? ये जो हमारे 14 तारीख को पुलवामा में जो हादसा हुआ है ये, और इसकी वजह से हमने पाकिस्तान का पुतला फूंका है। हमारा ये पुतला जो हमारी शहरी बस्ती के माध्यम से इसमें हर बिरादरी का व्यक्ति था और हमने हमारा आक्रोश एक विरोध पैदा किया है। इसमें हमारे सैनिकों को मौन धारण करके श्रद्धांजलि दी गई है। इसमें जिसमें हमारे गाँव की औरतें बच्चे बूढ़े जवान सब लोगों ने मौन धारण करके उनकी संगठन की।